हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई वेलकम्स यू ऑन माय चैनल अचीवर्स एकेडमी बाय क्लासेस बाय निशा शर्मा। सो गाइस, हमने इंग्लिश एंड हिंदी पैडागोजी को सीरीज़ को स्टार्ट किया था, तो आज मैं इंग्लिश पैडागोजी में जितनी मैंने आपको वीडियोज़ करवाई हैं, मैंने आपको 8 कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ करवाई हैं, ठीक है। और 8 कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के साथ साथ मैंने आपको 3 प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं। तो आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आई हूँ, जो रिलेटेड है इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी। जो पहले मैंने 3 सेट करवाए थे वो बहुत कॉमन सेट थे। आज जो मैं आपको सेट करवाने जा रही हूँ वो कोई कॉमन सेट नहीं है, बल्कि वो आपको ओरिजिनल पेपर है 2012 का। क्योंकि बेसिकली बच्चों से मैंने एक चीज़ कहती सुनी है कि मैम पेपर तो मुश्किल लगता है, आप पढ़ाते हो तो बड़ा आसान लगता है। तो वो पता क्या, पेपर मुश्किल नहीं होता एक्चुअली, आपने आज तक उस तरीके से पढ़ा ही नहीं होता। मतलब पढ़ना मैटर नहीं करता, एग्ज़ाम में क्या आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, वो चीज़ मैटर करती है। तो वो चीज़ मैं आज आपको सिखाऊंगी। जो बच्चे मेरे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो मैं उनको बता देती हूँ, मेरा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्ज़ाम को, स्पेशली HTET, CTET, UPTET, REET, किसी भी स्टेट का टेट, स्पेशल HTET एंड CTET बिकॉज आई एम फ्रॉम हरियाणा। और तो ये टेट एग्ज़ाम मेरा स्पेशलाइजेशन है, DSSSB, K.V.S एंड HSSC एग्ज़ाम्स। सो लेट वी स्टार्ट। आज मैं आपको ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन डील करने जा रही हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि आपने मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद पेपर्स को कितना सोल्व करना सीखा है। मुश्किल नहीं आता, बस जस्ट समझने का कोशिश करना क्वेश्चंस को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लर्नर्स एक्वायर ए लैंग्वेज बाय, कि जो एक लर्नर होता है वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है। एक्वायर करने का मतलब होता है अर्जित करना। तो लैंग्वेज को एक्वायर करता है गाइस कैसे। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज, कि मतलब उस लैंग्वेज के स्पीकर का कल्चर आप सीखो। यूजिंग द लैंग्वेज इन ए नेचुरल इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट। थर्ड है एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, स्टडिंग द लिटरेचर ऑफ लैंग्वेज। अब देखो, लैंग्वेज को एक्वायर करना, लैंग्वेज को अर्जित करना। तो लैंग्वेज को बच्चों हम अर्जित करते हैं ना, बिल्कुल नेचुरल तरीके से अर्जित करते हैं, इंट्रैक्टिव एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट से आप इंट्रैक्शन करते हो, आपस में सीखते हो, तो आप क्या करते हो, लैंग्वेज को लर्न कर लेते हो, एक्वायर कर लेते हो। तो आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 123, पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन इज अफेक्टिव टू प्रमोट, भाई आप किसी भी तरीके से पिक्चराइज करके कॉम्प्रीहेंशन बच्चों को दिखा रहे हो तो वो अफेक्टिव होता है किस चीज़ के लिए। लिटरेरी स्किल, स्पीकिंग स्किल, आर्टिस्टिक स्किल, लिसनिंग स्किल। तो यू नो वेल इट्स इंपॉर्टेंट इन द आर्टिस्टिक, क्योंकि भाई पिक्चराइजेशन वाले तरीके से आप बच्चों को पैसेज करना सिखा रहे हो, कुछ कॉम्प्रीहेंड करवा रहे हो, तो ये आर्टिस्टिक स्किल कहलाएगा। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट है, टीचिंग ग्रामर इज़ ए यूजफुल टू इम्प्रूव। अब आप ग्रामर को टीच करते हो तो ठीक है, तो ये चीज़ क्या इम्प्रूव करती है। सबसे पहले न्यूमेरेसी, मतलब न्यूमेरिकल नो, फ्लुएंसी हो सकता है बट हम बेस्ट ऑप्शंस पे जाएंगे, लिटरेसी एंड एक्यूरेसी। देखो ग्रामर आपको पता हमेशा हमें एक्यूरेशन सिखाती है कि ये सही है, ये रूल है, हमें ऐसे यूज़ करना है। तो आंसर इज़ एक्यूरेसी। नेक्स्ट है, ए गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन विल हैव क्वेश्चंस, कि एक जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है तो उसके जो एक गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन विल हैव क्वेश्चंस, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस होने चाहिए, मतलब कॉम्प्रीहेंशन जो होता है उसमें कैसे क्वेश्चंस होने चाहिए। देन फर्स्ट इज द टेस्ट इंटरफेरेंस इंटरप्रिटेशंस इवेल्युएशंस बिसाइड द कॉम्प्रीहेंसिव, डेट फोकस प्राइमरी ऑन द स्ट्रक्चर एंड द वर्ड्स, डेट टेक्सटुअल नॉलेज थ्रोली एंड एनक्रेज लर्निंग टू राइट आंसर विदाउट एरर। अब देखो ये हमें है ना, बाकी ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर दो, टेक्सटुअल नॉलेज का कोई सीन नहीं है, स्ट्रक्चर का कोई सीन नहीं है भाई। अब एक आपको ए और डी ऑप्शन में डाउट होना चाहिए कि एनक्रेज द लर्नर टू राइट आंसर्स विदाउट एरर। अब ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम एक पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा मैं नहीं मानती कि हम बिना एरर्स के ही उसके सभी आंसर्स को लिख देते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एरर हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज़ द वन, द टेस्ट इंटरफेरेंस इंटरप्रिटेशंस एंड इवेलुएशंस बिसाइड द कॉम्प्रीहेंसिव। नेक्स्ट है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इम्प्लाइज, एक बच्चे की जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट होती है उसके अंदर क्या होता है। ऑल अराउंड डेवलपमेंट का मतलब उसकी सभी प्रकार की डेवलपमेंट। द फर्स्ट, फॉलोइंग द नेचुरल स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, नो। प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन ऑफ ए लर्निंग, वोकेशनल एजुकेशन होता है ऐसी शिक्षा जो आपको जॉब भी दें। टू फंक्शन बाय एनी वर्क ऑफ एनवायरनमेंट, हो सकता है बट ऑल अराउंड, और देखते हैं हम।
harmonious development of physical, emotional, mental faculties, specializes training to make the learner in the jack of all trades. तो देखो सीधी सी बात है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट बच्चे का कभी होता है जब हम हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल मतलब फैसिलिटीज़, जो बच्चों का हर टाइप का जो डेवलपमेंट होता है वो मिक्स होता है, तो ही ऑल अराउंड डेवलपमेंट कहलाता है. तो राइट आंसर इज द सी. नेक्स्ट है, टीचर शुड नॉट गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट टू द लर्नर्स. कॉर्पोरल पनिशमेंट्स का मतलब होता है काइंड ऑफ फिजिकल पनिशमेंट. तो भाई टीचर्स को बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए. क्यों नहीं देनी चाहिए? इट इज़ ओनली एन इमोशनल रिलीफ ऑफ टीचर्स. कि ये टीचर्स के लिए इमोशनल रिलीफ है? नो. इट मेक्स पेरेंट्स वेरी एंग्री? नो. इट्स रिस्की? हो सकता है, बट हमें बेस्ट ऑप्शन पे जाना है. इट क्रिएट्स स्ट्रेस एंड फियर. आपको पता, बच्चों को स्कूल में पहले दिन मार देते हैं तो वो अगले दिन स्कूल भी नहीं जाते भाई, तो फियर्स आ जाता है लर्नर के माइंड में. तो राइट आंसर इज अ डी. नेक्स्ट है, ए मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनियस इज इकोनॉमिक स्टेटस, नॉलेज एंड स्किल्स, जेंडर एंड एज एंड सोशल स्ट्रेसेस. तो इट्स अ इकोनॉमिक स्टेटस. नेक्स्ट है, कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशंस रेफर असेसमेंट ऑफ. जो कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन होती है, तो कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है? बच्चों की हर एक चीज़ का जो आप मूल्यांकन करते हो, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन मैंने करवाया भी है. तो कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन का मतलब होता है स्कॉलरशिप एंड को स्कॉलरशिप. इसका मतलब क्या होता है कि आप उसकी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, मतलब स्कूल प्रीमिसेस के दौरान बच्चे की हर एक गतिविधि का जब आप मूल्यांकन करते हो, तो वो कॉम्प्रीहेंसिव. कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है व्यापक. उसमें आपके हर पहलू का, उसके बिहेवियर, उसके कैरेक्टर, उसका स्कॉलर, उसकी टीचिंग, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन. नेक्स्ट है, व्हेन ए टीचर आस्क अ स्टूडेंट टू राइट ए लेटर आफ्टर हैविंग ए ग्रुप डिस्कशन. मतलब आपने ग्रुप डिस्कशन करवाया भाई क्लास में, उसके बाद आप बच्चों कहते हैं भाई एक राइटर एक लेटर लिखिए, तो मतलब टीचर क्या कर रही है? द फर्स्ट लाइकली टू कन्फ्यूज़ द स्टूडेंट. स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ करना चाहती है. अडोप्टिंग द डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये हो सकता है, बट हम वो बेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे भाई. इंटरग्रेटिंग डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स, फॉलोइंग द ट्रेडिशनल मेथड. देखो पुराने ट्रेडिशन में ऐसा कहीं नहीं था कि टीचर ने डिस्कस किया फिर आपसे लिखवाए. आजकल ये ट्रेंड है कि आपकी लैंग्वेज को जो है इम्प्रूव किया जा रहा है, ठीक है. तो अडोप्टिंग द डायरेक्ट मतलब इंटरग्रेट कर रही है वो लैंग्वेज के स्किल्स को. तो आंसर इज द सी. नेक्स्ट है, प्री रीडिंग टास्क आर मिंट फॉर. प्री रीडिंग का मतलब आपने स्टडी शुरू करा है, उससे पहले आप बच्चों को कहते हैं ना, आप कुछ फीडबैक लेते हो. तो ये किस लिए बनाया गया है? एक्सप्लेनिंग द ग्रामेटिकल आइटम्स यूज इन द रीडिंग टेक्स्ट. नो. ग्रामेटिकल आइटम्स हो सकता है, बट वी हैव टू चूज द बेस्ट अल्टरनेट. इवेल्युएटिंग द रीडिंग स्किल्स इन द लर्नर्स, ये हो सकता है. गिविंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स इन द फ्रेज, ये भी हो सकता है. इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग द लर्निंग. क्लियर है भाई प्री रीडिंग का मतलब क्या है? मैं आपको प्री रीड करवा रही हूँ किसी लेसन का, तो मैं यही तो बता रही हूँ इस लेसन का भाई ये आइडिया होगा, तो मैं लर्नर्स को मोटिवेट कर रही हूँ, चलो हम आज ऐसे ऐसे पढ़ेंगे. तो आंसर इज द डी. नेक्स्ट है, करिकुलम इज़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच डजंट स्टेट. करिकुलम जो होता है पाठ्यक्रम, उसमें क्या नहीं होता? द मीन्स ऑफ इवेल्युएटिंग वेदर द एजुकेशनल एंड्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट. मतलब बच्चे को इवेल्युएट करना भाई, चाहे उसको एजुकेशन में कुछ मिला है या नहीं, बट हमें उसका मूल्यांकन करना. द एजुकेशनल पर्पज ऑफ प्रोग्राम, देखो सीधी सी बात है, करिकुलम क्या होता है? बच्चे की सभी टाइप की गतिविधियाँ होती हैं, जो उसकी स्ट्रेटजीज होती हैं स्कूल में, जो करता है, जो नेसेसरी होता है, जो अचीव करना चाहता है, सभी चीज़ें करिकुलम में आती हैं. ओनली लेसन प्लानिंग जो है इंडेक्स में आता है, टॉपिक्स को ट्रेंड करना, तो इट्स अ पार्ट ऑफ करिकुलर. तो इसलिए लेसन प्लानिंग जो है इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ करिकुलम, इज द पार्ट ऑफ करिकुलर. तो इसलिए आंसर आएगा बी. देखो जब नोट वाला क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ऐसे नहीं करना ये नहीं होता ये नहीं होता. नोट वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है भाई? नोट का मतलब क्या? तीन ऑप्शन तो सही होंगे, एक ऑप्शन नहीं होगा. तो आपने ये देखना भाई, ये तो सही है, ये तो सही है, ये तो सही है, तो यही बच गया. ऐसे करना होता नोट वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट है, स्पीकिंग स्किल कैन बी बेस्ट डेवलप बाय द अनेबलिंग द लर्नर टू. स्पीकिंग जो स्किल होता है उसको हम बेस्ट डेवलप कर सकते हैं अनेबल द लर्नर टू. तो लर्नर्स को अनेबल करते हैं कैसे भाई? अब सीधी सी बात है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग. आप कम्युनिकेट करोगे रियल सिचुएशंस में मैक्सिमम, तो यू कैन लर्न द स्पीकिंग वेल. तो आंसर इज द सी. इन लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेजम इज, मतलब एक
नई लैंग्वेज को आप सीख रहे हो तो ये मल्टी लैंग्वेज हो जाती है, तो ये बर्डन होती है मैथोलॉजी इंटरफ्रेंस एंड असेस्ट, तो ये पॉजिटिविटी होती है एंड असेस्ट होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन अफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग। अब देखो लैंग्वेज की क्लासरूम है भाई, सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा अफेक्टिव कब होगी, जब इमिटेट करोगे, नकल करोगे, नो रिलैक्स करोगे, इवेलुएट करोगे, आप इंट्रैक्ट करोगे, जितना आपका इंट्रैक्शन होगा उतना ही लैंग्वेज अफेक्टिव जो है बन जाती है। ठीक है, आगे इस पेपर में पैसेज है, पैसेज को मैं अलग तरीके से करना सिखाऊंगी। अब हम दूसरे पेपर के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। हिंदी पैडागोजी के भी मैं क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ इन दोनों एग्ज़ाम्स के, ये 2011 और 2012 रियल सीटेट है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस और हैं इंग्लिश के, वो ले लेते हैं हम। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वेट क्वेश्चंस आर देयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग डजंट नेचर क्रिएटिव थिंकिंग इन द स्टूडेंट, अलाउ लर्नर टू रेज क्वेश्चंस। इंक्वायरी बेस्ड का मतलब क्या होता है, आप बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं, हिंदी में आता है ना भाई प्रश्न पूछना बच्चों के लिए कैसे इफेक्टिव होता है लाइक, तो इस इंक्वायरी बेस्ड। डजंट नेचर क्रिएटिव थिंकिंग, डजंट प्लेस स्टूडेंट इन द थॉट प्रोवोकिंग सिचुएशंस, अनक्लोज द क्वाइट लर्नर्स। तो देखो इसमें ना 4 और 2 दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं, बट इंक्वायरी बेस का मतलब क्या है, बच्चे इंक्वायरी करना चाहते हैं तो अलाउ द लर्नर्स टू रेज द क्वेश्चंस। तो बच्चे इंक्वायरी कब करेंगे भाई, जब वो क्वेश्चंस को पूछेंगे, तो आंसर 2 इज द राइट। नेक्स्ट है इन लार्ज लैंग्वेज क्लासेस ग्रुप वर्क कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय, मतलब बड़ी बड़ी लैंग्वेज की क्लासेज हैं तो आप ग्रुप वर्क करवाना चाहते हो तो कैसे होगा। आस्किंग ऑल स्टूडेंट टू स्टैंड इन ए सर्कल, सभी बच्चों को आप कहो भाई चलो सर्कल में खड़े हो जाओ। आस्किंग हाफ द क्लास टू गो आउट इन द प्लेग्राउंड, आधी क्लास को प्लेग्राउंड भेज दो, बिल्कुल गलत भाई, सब बच्चों को सिखाना है। आस्किंग 4-5 स्टूडेंट टू सिट टुगेदर इन द नैरो बेंच, नो, क्लास सभी इंपॉर्टेंट होती है 4-5 क्यों। आस्किंग स्टूडेंट टू टर्न अराउंड फॉर ए ग्रुप वर्क, तो 4 भी ठीक हो सकता है। आस्किंग ऑल स्टूडेंट टू स्टैंड इन द सर्कल और 1 भी, अब देखो भी लार्ज क्लास है तो हमें सर्कल बना के पूरी क्लास को समझाएंगे, तो राइट आंसर इज द 1। नेक्स्ट है ए टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल, लिसनिंग मीन्स सुनना, आपको पता लैंग्वेज के कितने स्किल्स होते हैं भाई, 4, कौन कौन से, LSRW रटवा चुकी हूँ मैं, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, बहुत डिटेल वीडियो मैंने इनके ऊपर बनाई हुई है, ट्रिक से आपको याद करवाया है कि पहले बच्चा सुनता है, पहले बच्चा सारे दिन सुनता रहता है, फिर वो बोलना शुरू कर देता है, फिर वो पढ़ना शुरू कर देता है, लिखना, और लैंग्वेज स्किल से तो कन्फर्म क्वेश्चन आता है, जो मैंने वीडियो बनाई थी उसे DSSSB में भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे लैंग्वेज स्किल्स के, तो गाइज़ वो मेरी इंग्लिश प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, 8 वीडियोज़ हैं डिटेल्ड स्टडी, वो आप जरूर करना। तो लिसनिंग स्पीकिंग लिसनिंग स्किल को कैसे डेवलप करोगे, मेकिंग द लर्नर लिसन टू एवरीथिंग दे हियर द पैसिवली, ठीक है भाई, तो मतलब लिसन करते रहो बस, जो मतलब सुन रहे हो उसको लिसन करते रहो। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी टू डैम टू लिसन ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज एंड पीपल ऑफ engaged in the listening activities, speaking to them continuously, focusing only on the listening skill without associating in the language skills. तो क्लियर दिख रहा है भाई आंसर कि बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए जो उनको लिसनिंग के बेटर एटमोसफेयर दिखा सके, अलग अलग लिसनिंग एक्टिविटीज, तो आंसर 2 इज द राइट। नेक्स्ट है ए प्ले कैन बी द बेस्ट टॉट बाय, एक प्ले, प्ले मीन्स नाटक, ड्रामा, ड्रामा बच्चों को सबसे बेटर कैसे सिखा सकते हो। आस्किंग ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नो, ड्रामा में नो नीड टू क्वेश्चंस। कंडक्टिंग ए टेस्ट, टेस्ट का तो ड्रामा से कोई लेना देना ही नहीं है भाई। मेकिंग द स्टूडेंट रीड इट साइलेंटली, साइलेंटली कभी ड्रामा होता ही नहीं है, तो अपने आप ही आंसर बच गया 4। अनक्रेजिंग द स्टूडेंट टू स्टेज प्ले आफ्टर द वर्किंग ऑफ ए ग्रुप एंड अंडरस्टैंड द प्लॉट एंड कैरेक्टर, मतलब प्लॉट और कैरेक्टर को समझने के लिए वो स्टेज पे जो है परफॉर्म करे, तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Schools need to become centers that prepare children to life and ensure that all children, especially the differently abled children and marginalized sections children, difficult circumstances, get the maximum benefit of the critical area of education. The observations found in the National Curriculum Framework 2005. अरे सीधी सी बात बोल रहा है ये कि एक बच्चा है वो differently abled है, कोई कुछ है कोई कुछ है, उनको एक तरीके से जोड़कर पढ़ाना, तो ये क्या है, तो ये भी मैं कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में बता चुकी हूँ आपको, इट्स कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी और समेकित शिक्षा, सभी बच्चों को शिक्षा की एक मुख्य धारा से जोड़ना कहलाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ए चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है तो चिल्ड्रन वर्क इंडिविजुअली टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट,
टीचर प्लान, अब चाइल्ड सेंटर है तो भाई टीचर प्लान अपने आप एलिमिनेट कर देंगे, टीचर गिव इंस्ट्रक्शन रिस्पेक्ट चाइल्ड ओबे एंड बी डिसिप्लिन ठीक हो सकता है, चिल्ड्रन इंटरेक्ट द टारगेट लैंग्वेज थ्रू द टेक्स्ट ऑफ रिक्वायर्स। सीधी सी बात है, चिल्ड्रन है, चाइल्ड सेंटर क्लास है तो टारगेट लैंग्वेज को वो अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस से सीखेगा, तो आंसर इज़ अ फोर। नेक्स्ट है, ए अफेक्टिव लेसन फॉर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज बिगिंस विद, एक बहुत अच्छा आपको लेसन बनाना, तो वो किससे बिगिन होगा, तो रिकैपिचुलाइजेशंस, मैंने अभी 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 क्वेश्चन करवाया था हिंदी में, रिपीटेशंस, मतलब आप बच्चों को प्री लर्निंग दे हुए तो आप उसको पुरानी लर्निंग सिखाएंगे, मोटिवेट करेंगे, तभी एक लेसन बहुत अच्छा स्टार्ट जो है हो सकता है। ठीक है गाइज, आई थिंक इनफ, चलो कुछ और करवा देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट सिचुएटेड इम्प्रूव द स्पीकिंग स्किल ऑफ लर्नर्स, लर्नर में स्पीकिंग स्किल को आप कैसे डेवलप कर सकते हो, तो बोलेगा कैसे भाई वो, जब डिबेट्स करेगा, ग्रुप डिस्कशन करेगा, तो ओरल लैंग्वेज, डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशन, रिसाइट्स द पोएट्री, रीडिंग प्रोज एंड ड्रामा। देखो वैसे तो सारे के सारे ठीक हैं, बट डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा इफेक्टिव है, तो हमें वन को चुनना है तो बेस्ट को चुनना है। सम नॉइजेज इन द लैंग्वेज क्लासरूम इंडिकेट्स, लैंग्वेज की क्लासरूम में भाई कुछ शोर हो रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है, कि टीचर सही नहीं है, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ लर्नर एंगेज इन लैंग्वेज, इनडिसिप्लिन है, टीचर लैक ऑफ कंट्रोल है, तो लैंग्वेज की क्लासरूम में कुछ बन रहा है तो इसका मतलब बच्चे कुछ इंट्रैक्शन कर रहे हैं भाई, हमें नेगेटिव आंसर तो करना ही नहीं है, सीधी सी बात है। फ्लुएंसी इज इंग्लिश कैन बी डेवलप थ्रू, इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है वो डेवलप होती है, तो आपको पता है एक बहुत बड़ा लैंग्वेज मुहावरा है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, इंग्लिश की फ्लुएंसी आपकी क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को जब आप क्रिएट करेंगे गाइस, तभी जो आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी डेवलप होगी। एन अफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस वेन स्टूडेंट्स, अफेक्टिव लर्निंग तभी होती है जब स्टूडेंट इंटरेक्टिव होते हैं। ठीक है गाइज, तो ये था अपना कॉन्सेप्ट, मैंने प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की आपको इंग्लिश पैडागोजी की। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, यू नो बिजी शेड्यूल में आपके लवली लवली कमेंट्स मुझे इंक्रीज करते हैं वीडियोज़ बनाने के लिए, सो इफ़ यू रियली लाइक मी, रियली लव मी, आप कितने अच्छे कमेंट जो करते हो सच्चे वाले, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर जरूर करो, क्योंकि आपको पता है मैं सेल्फलेस आपको पढ़ाती हूँ, बट बस आपकी शेयरिंग, मैं चाहती हूँ हर बच्चा मुझसे हेल्प ले, हर बच्चे को मेरे एजुकेशन में मजा आए, तो इसलिए आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फेसबुक वॉल पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी अकेडमी में, कोचिंग सेंटर में, हर जगह मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस करें। क्लासेस चल रही हैं ऑफलाइन, यदि किसी को ज्वाइन करना है सीटेट एसटेट तो आप कर सकते हैं, आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत, और नोट्स अवेलेबल हैं, कोई नहीं आ सकते तो आप नोट्स पैकेज भी ले सकते हैं जो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। सो गाइज, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।